बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम ज़हूर हसन एंड दिस इज़ लर्न इंग्लिश विद हसन। पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव और पैसिव फॉर्म जिस तरह चेंज होता है वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए। पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जब ये पैसिव को चेंज होगा तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जगह चेंज करेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। दूसरा जो स्टेप होगा उसमें ये वर्ब फॉर्म चेंज होगा, वहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगा। तीसरा जो है वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे वाज और वर है, सिंगुलर नाउन के साथ और आई ही शी इट के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे और बाकी के साथ हम वर लगाएंगे। और लास्ट जो स्टेप है वो यहाँ पे बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे क्या लगेगा, बाय लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस से। मसलन आई wrote a story, I wrote a story। तो जिस तरह हमने कहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास ऑब्जेक्ट है a story, तो ये यहाँ पे आ जाएगा a story। अब प्रेजेंट में ये is am are था, यहाँ पे हम लगाएंगे, ये सिंगुलर नाउन है तो हम लगाएंगे was। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म, रोट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे रिटन। इसके बाद हम लगाएंगे बाय और लास्ट में वो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, मी। आई रोट अ स्टोरी, अ स्टोरी वॉज रिटन बाय मी। अब इसका नेगेटिव फॉर्म भी बहुत आसान है, सिर्फ डिड नॉट है यहाँ पे और यहाँ पे वाज नॉट है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म लिखते हैं आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी, आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही सेंटेंस होगा, सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ ये होगा अ स्टोरी वाज नॉट, ये एक लफ्ज का इजाफा होगा, नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, तो आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी, अ स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय मी। अब क्वेश्चन किस तरह होगा, तो ये डिड आ जाएगा यहाँ पे पहले, Did I write a story? Did I write a story? तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये पहले आ जाएगा। Was a story written by me? और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। Was a story written by me? Okay? Did I write a story? Was a story written by me? तो ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस हमारे पास क्वेश्चन में हो गए। यहाँ पे WH क्वेश्चन, What did I write? What did I write? सो यहाँ पे आ जाएगा सेम यही सेंटेंस, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ये ऑब्जेक्ट रिमूव करेंगे और पहले हम लगाएंगे व्हाट। व्हाट वाज रिटन बाय मी, यहाँ पे अ स्टोरी वाज रिटन बाय मी, नेगेटिव फॉर्म क्या है, अ स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय मी। क्वेश्चन क्या है, वाज अ स्टोरी रिटन बाय मी, और नेगेटिव यस नो क्वेश्चन ये हो गया। WH क्वेश्चन है व्हाट वाज रिटन बाय मी। तो ये हमारे पास है पास्ट सिंपल के चारों के चार सेंटेंस, किस तरह हम चेंज करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।